यहाँ पर ये देखिए 80% लोग जो हैं वो यहाँ पर ब्लॉगर को इसी वजह से छोड़ देते हैं कि उनके पास जो आर्टिकल्स होते हैं वो आर्टिकल नहीं होते और ना ही उन्हें पता होता है किस तरीके से वो आर्टिकल मैं लिखने वाला हूँ। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ जहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल नहीं लिखना है, आप लोगों को बस आर्टिकल किसी और वेबसाइट से उठाना है और अपने ब्लॉग पे वहाँ पर पेस्ट कर दे। क्या आप भी यहाँ पर एक ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो बट आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि यार वो जो ब्लॉगिंग उसको किस तरीके से करेंगे और वहां पर जो कंटेंट हम लोग वहां पर जो वो कंटेंट राइट करने वाले वहां पर जो कंटेंट हम वहां पर लिखने वाले उसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है किस तरीके से आप लोग वो कंटेंट को लिखोगे। बट आप लोग ये चाहते हो कि यार मैं भी ब्लॉग के थ्रू यहां पर ब्लॉगर के थ्रू वहां से अर्निंग करना चाहता हूं बट आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज की नॉलेज नहीं है कि यार वो जो कंटेंट होगा वो जो आर्टिकल्स होंगे वो आर्टिकल्स मैं कहाँ से और किस तरीके से वहाँ पर उसको लिखूँगा। आज की ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। सो प्लीज़ इस वीडियो में यार स्टार्ट टू एंड बने रहें जिससे कि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ साइड में जो बैल आइकन है उस बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाली हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखो अगर आप लोगों ने देखा है कई वीडियोस देखे होंगे, कई लोगों को देखा होगा जो कि ब्लॉगर के थ्रू यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और उन्हीं सब वीडियोस को देख के आप लोगों के भी मन में ये होगा यार ब्लॉगिंग से यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग हो रही है सो मुझे भी उसे स्टार्ट करना चाहिए। बट आप लोगों को ये नहीं पता कि यार वहाँ पर आप लोग आर्टिकल किस तरीके से लिखोगे और जो दूसरे लोग हैं वो किस तरीके से वहाँ पर आर्टिकल डालते होंगे जिसकी वजह से उनको वहाँ पर अर्निंग देखने को मिलती है अच्छी खासी, वो भी उनका जो एडसेंस है वो भी वहाँ पर अप्रूव हो जाता है और गूगल के थ्रू उनको वहां पर अर्निंग देखने को मिलती है, वो भी अच्छी खासी अर्निंग देखने को मिलती है। सो वो ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो वो लोग एड ऑन करते हैं वहां पर उन्हें अच्छा खासा वहां पर ट्रैफिक देखने को मिलता है और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके ब्लॉगर पर विजिट करते हैं और वहां से उनको अर्निंग देखने को मिलती है। और यही सारी चीजें आप भी करना चाहते हो बट आप लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं कि यार जो आर्टिकल है वो आर्टिकल मैं किस तरीके से लिखूंगा। बट आप लोगों के मन में ये है कि हाँ भाई मेरे को भी ब्लॉगर करना है, मेरे को ब्लॉगर स्टार्ट करना है। यहाँ पर ये देखिए 80% लोग जो हैं वो यहाँ पर ब्लॉगर को इसी वजह से छोड़ देते हैं कि उनके पास जो आर्टिकल्स होते हैं वो आर्टिकल नहीं होते और ना ही उन्हें पता होता है किस तरीके से वो आर्टिकल मैं लिखने वाला हूँ। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ जहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल नहीं लिखना है, आप लोगों को बस आर्टिकल किसी और वेबसाइट से उठाना है और अपने ब्लॉग पे वहां पर पेस्ट कर देना है। जी हाँ, ये वर्ड सुन के आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये आया होगा कि यार जब मैं किसी और की वेबसाइट से आर्टिकल लूंगा और अपनी ब्लॉगर पे डालूंगा कॉपीराइट तो लेगा ही लेगा। बट इस वीडियो में मैं आपको जो एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ उसके थ्रू आपके किसी भी आर्टिकल पे बिल्कुल भी कॉपीराइट नहीं आने वाला है और इस चीज को मैं यहाँ पर आपके सामने प्रूफ भी रखने वाला हूँ, उस चीज़ को मैं आपको चेक भी कराऊंगा कि जो भी आर्टिकल हमने किसी अदर वेबसाइट से उठाया है उस आर्टिकल को जो हम अपने ब्लॉग पे पेस्ट करने वाले हैं वहाँ पर आपको 1% भी कॉपीराइट नहीं दिखाई देगा। इस चीज़ को भी हम आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। सो अगेन मैं आप लोगों से यही चीज़ कह रहा हूँ कि इस वीडियो का एक भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि अगर आप एक भी पार्ट यहाँ पे स्किप करते हो सो हो सकता है कि आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ना मिल पाए। सो आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं और हमारी स्क्रीन पर, सो यहाँ पर हम अभी हैं ब्लॉगर पे, अपने ब्लॉगर पे। आप लोगों को ब्लॉगर का यूज़ करना ऑब्वियस है, आता होगा जब भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। सो देखो अभी हमें वो आर्टिकल लेने हैं जो कि बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। सो देखो आप लोगों को किसी भी वेबसाइट पर आ जाना, जिस तरीके का भी आप लोग वहाँ पर आर्टिकल बनाना चाहते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप लोग आर्टिकल चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि कंप्यूटर से रिलेटेड, फ़ोन से रिलेटेड और अपने डिवाइसेस से रिलेटेड अगर आप लोग आर्टिकल चाहते हो सो आप लोगों को यहाँ पर अपने गूगल पर सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आप लोगों को उस आर्टिकल पर आ जाना है और उस आर्टिकल पे आने के बाद यहाँ पर देख, जैसे कि मैंने यहाँ सर्च करा था चाइल्ड हेल्थ आर्टिकल के ऊपर, सो यहाँ पर मैं इस वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इस वेबसाइट पर आने के बाद अब मुझे क्या करना है यार, उसको मैं कॉपी करने वाला हूँ जो मुझे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे को आर्टिकल चाहिए, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब हम इस चीज़ को जानेंगे कि ये जो आर्टिकल है, अभी ये आर्टिकल अगर मैं अपने यहाँ ब्लॉगिंग पे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, सो यहाँ पर एक मिनट,
मैं यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ, पहले आपको समझ में आए। यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करता हूँ सो मेरे को वो कॉपीराइट देने वाला है और 100% वहाँ पर कॉपीराइट मुझे वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मैं इसको गूगल एडसेंस के थ्रू वहाँ पर अप्रूव करूँगा तो वहाँ पर वो अप्रूव नहीं होगा, जिसकी वजह से मुझे अर्निंग भी देखने को नहीं मिलेगी इस ब्लॉगिंग के थ्रू। सो यहाँ पर क्या है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैंने यहाँ से सॉरी इस वेबसाइट से ये आर्टिकल तो उठा लिया, अब मेरे को इसको क्या करना है, इसको यार मेरे को बिल्कुल कॉपीराइट फ्री बनाना है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जाना है इस वेबसाइट पर, इस वेबसाइट का नाम है देख लीजिए यहाँ पर रीराइटर टूल्स, ठीक है, यहाँ पर आना है। अब मैंने इस वेबसाइट के थ्रू जो इस टाइप का भी मुझे आर्टिकल चाहिए था उस आर्टिकल को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मेरे को यहाँ पर जस्ट इसको करना है पेस्ट, यहाँ पर देखिए मैं इसको पेस्ट कर चुका हूँ। अब पेस्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, इसे करना है राइट। अब ये देखिए यहाँ पर इसको ये रीराइट कर रहा है, इसमें कुछ पार्ट्स हैं जिसको वो वहाँ पर रीएडिट कर देगा, जहाँ पर इसको लगे है कि भैया यहाँ से इसके थ्रू यहाँ पर इसको कॉपीराइट आ सकता है उसको वहाँ पर रीएडिट कर देगा, वहाँ पर रीराइट कर देगा, वहाँ पर अपने वर्डिंग जो है जो इसको सूटेबल लगेगा उसको वहाँ पर वो एडिट कर देगा। यहाँ पर देखिए अभी प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर इसको हम हो जान देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से इसने यहाँ पर री एडिट करा है उसे। यहाँ पर ये देखिए हो चुका है, यहाँ पर देखिए री राइटिंग सजेशन, सो देखिए यहाँ पर किस चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर देखिए बिंग ऑफ चिल्ड्रंस, ओके बिंग ऑफ चिल्ड्रंस यहाँ पर फ्रॉम है, यहाँ पर बिंग ऑफ चिल्ड्रंस है, सो यहाँ पर इसने कर दिया बिंग ऑफ टीन्स, ओके यहाँ पर ये देखिए कई ऐसे चेंजेस हैं जो कि इसने करे हैं, ये सारे सारे ये चेंजेस हैं। अब हमें क्या करना है, हमने तो इसके थ्रू ये चेंज कर लिया है, ठीक है, बट अगर हमें ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है सो हमें इस चीज़ को मेंशन करना होगा कि यार ये जो आर्टिकल है ये पूरी तरीके से यहाँ पर 100% कॉपीराइट फ्री हो चुका है या नहीं हो चुका है। अब हम उस चीज़ को भी यहाँ पर चेक करने वाले हैं, सो उसके लिए हमें इसको करना है कॉपी जो कि इसने हमें सजेस्ट करा है कि ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री अब आपका बन चुका है। सो यहाँ से हमें इसे कॉपी करने के बाद हमें जाना है यहाँ, और ये जो वेबसाइट है इसका नाम है स्मॉल एसईओ टूल्स, ठीक है, स्मॉल एसईओ टूल्स पे जाना है हमें। सो यहाँ पर हमें इसे कर देना है पेस्ट। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को फिर से प्रोसेस दिखा देता हूँ शुरू से जो हमने करा था। हमें इस वेबसाइट अपने ब्लॉगिंग पर जो भी आर्टिकल डालना है उस आर्टिकल को हमने यहाँ गूगल पर सर्च कर लिया है, और सर्च करने के बाद हमने उस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद उस आर्टिकल को हमने रीराइट करा है यहाँ पर इस वेबसाइट के थ्रू, ये रीराइट हो चुका है, और ये यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है कि ये जो री आर्टिकल है ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। सो अभी हमें इसको चेक करना है ये सच में कॉपीराइट फ्री आर्टिकल है या नहीं है। सो उसके लिए हमें जाना है यहाँ पर स्मॉल एसईओ टूल्स पे। अब यहाँ पर जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको करना आई एम नॉट अ रोबोट, देन उसके बाद हमें प्लगरिज्म पे यहाँ पर हमें चेक करना है। यहाँ पर ये देखिए अभी बता देगा कि सच में कॉपीराइट फ्री है या नहीं है, और अगर है कॉपीराइट फ्री तो कितने परसेंट तक कॉपीराइट फ्री है और नहीं है। यहाँ पर एडिट होके यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है इसका रिजल्ट का, कितने परसेंट यूनिक है और कितने परसेंट इसका कॉपीराइट फ्री है। अगर 70% आ जाता है कि 70% ठीक है सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए 50% यूनिक अभी चेकिंग चली रही है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया भैया यूनिक है, 100% यूनिक है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी यार हम इसको ऑब्वियस हम इसको कॉपी करके अपने ब्लॉगिंग पे एड ऑन करेंगे। अब हम इसको हमने यहाँ से हमें इसे करना है कॉपी, यहाँ से हमें इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब हमें इसे करना है यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इसे पेस्ट करा, सो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई है। सो अभी हम वेट, यहाँ से हमने कॉपी ही गलत करा था सो इस वजह से ये हमें देखने को मिल रहा है। सो इसको हटाओ भैया, यहाँ से हम इसे करते हैं कॉपी, यहाँ करते हैं हम इसे पेस्ट। यहाँ पर देखिए हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब इसका जो आर्टिकल था, आर्टिकल का जो नाम था उसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, वेट इसको भी हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, टाइटल को हम यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए हम इसको चाहें तो इसको हम बोल्ट भी कर सकते हैं, हमने बोल्ट करा यहाँ पर, और अभी हमें यार ये थोड़ा ऑड सा लग रहा है। सो अभी हम क्या करने वाले, अभी हम यहाँ पर एक इमेज डालेंगे। अब आप सभी लोगों को पता है जो यहाँ पर इमेज डलेगी वो इमेज भी बिल्कुल कॉपीराइट फ्री इमेज होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पर हमें जो एडसेंस के थ्रू अप्रूवल है वो अप्रूवल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अभी हम क्या करने वाले, यहाँ पर हमें एक इमेज चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब
ये जो थर्ड वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ध्यान से देखिए, यहाँ से हमें कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलने वाली हैं। सो यहाँ पर जाना है हमें, और ये जो वेबसाइट है ये देखिए यहाँ पर पिक्सल्स का, सो यहाँ पर हमें इसको कर देना पेस्ट, यहाँ इमेज पे आ जाना है, यहाँ से हम इस इमेज को यहाँ पर कॉपी करने वाले हैं, सेव एस, ये हमने कॉपी कर लिया, ये हमारा कॉपी हो गया। अब हम जाएंगे ब्लॉगिंग पे, अब यहाँ से हमें करना है उसे अपलोड, उस फोटो को सेलेक्ट, ये फोटो हमारी आ गई है, हम इसको कर रहे हैं पेस्ट, यहाँ पर देखिए ये अपलोड हो रहा है, ये देखिए हो चुका है। अब हम इसको कर देते हैं ओके। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लेते हैं, वेट, यहाँ पर हम कर देते हैं एक्स्ट्रा लार्ज अपलोड, ये देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा, सबको थोड़ा सा हम इसको सही से एडजस्ट भी कर सकते हैं, वेट, सेंटर, सॉरी, हाँ हो गया ये सेंटर, ठीक है, ये यहाँ पर सेंटर हो चुका है, ये सेंटर, ये हमारा सेंटर हो गया। यहाँ पर देखिए इसको हमने सेंटर कर लिया। अब इसको हम एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, इसका प्रीव्यू में कैसा दिखने वाला है हमारा। सो देखिए ये प्रीव्यू है हमारा, ठीक है। अगर हम चाहें तो यार इसकी जो हेडलाइन है उसको हम चेंज कर सकते हैं, देखिए ये जो कलर वलर आ रहा है हम इसको पूरा ब्लैक कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने जो प्रीव्यू देखा, प्रीव्यू में हमें अच्छा नहीं लग रहा, सो हम इसे क्या करने वाले, हम इसको टोटली ब्लैक कलर में करने वाले जितने भी वर्ड हैं ये, ठीक है। सो हम इसको ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक। सो देखिए यहाँ पर ब्लैक हो चुका है। अब हम इसको दोबारा प्रीव्यू करते हैं, ये देखिए सारा सारा यहाँ पर ब्लैक में आ चुका है हमारा आर्टिकल, जो आर्टिकल हमने वहाँ से उठाया था ये पूरा ब्लैक में आ चुका है। यहाँ पर देखिए ये जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल भी बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हो चुका है, और ये जो हमारा इमेज है ये भी बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। अब अगर हम लोग यहाँ पर जाके अपने, अगर हम लोग इसको पब्लिश करते हैं तो भी हमें वहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली। हम इसको पब्लिश कर देते हैं यहाँ पर, ये हमने इसको पब्लिश कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद ये देखेंगे आप लोग अर्निंग का जो सेक्शन है, यहाँ पर आप लोगों का जो एडसेंस है, जो भी आप लोग एडसेंस ऐड ऑन करोगे यहाँ पर, वो यहाँ पर आप लोगों का 100% वहाँ पर वेरीफाई होगा, और आप लोगों को एडसेंस के थ्रू अप्रूवल वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और आप लोग इसके थ्रू वहाँ से अर्निंग कर सकते हो। ये थी वो वीडियो जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि आप किसी और का जो कंटेंट है उसको किस तरीके से कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग पे वहाँ पे आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, और वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो अपने ब्लॉगर के थ्रू। क्योंकि देखो ब्लॉगर पे जो अर्निंग का जो मेथड है वो वहाँ पर जस्ट एक ही नहीं, वहाँ पे कई तरीके के मेथड है। अब वहाँ पर फुल आप लोग अपने एडसेंस से वहाँ से अर्निंग कर रहे हो, एंड देन सेकंड थिंग, अगर आप लोग कोई एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर रखा है आप लोगों ने, सो आप लोग इजीली वहाँ पर एफिलिएट के जो लिंक्स हैं उनको भी वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी आपको जो हमने वीडियो दिखाया जिसमें हमने आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताया किस तरीके से आप लोगों को फ्री आर्टिकल मिलने वाले हैं जिसको आप लोग अपने ब्लॉगर पे यूज करने वाले, वो भी मन चाहे आर्टिकल, जो भी जिस भी तरीके का आर्टिकल आप लोग चाहते हो, जिसमें भी आप लोगों का इंटरेस्ट है कि आप यार इस तरीके का कुछ अपने ब्लॉग में बनाने वाले, उस तरीके के कुछ आर्टिकल्स रखने वाले, वो सारे के सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, और उन आर्टिकल्स पे वहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, सो प्लीज़ वीडियो को यार लाइक ज़रूर करना, और जो साइड में सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन पे भी ज़रूर ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे यूनिक्स वीडियोस लाते रहते हैं जो कि हर रोज़ अपलोड होते हैं यहाँ पर, और आप लोगों के लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। और अगर इस तरीके की वीडियो को किसी को नीड हो, सो प्लीज़ इस वीडियो को उस पर्सन तक ज़रूर पहुँचाना। सो यार मिलते हैं आप लोगों से हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।